अस्सलामु अलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होगी। तो एंड ऑफ जायका में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने वाले प्रॉन्स कोरीवाड़ा जो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बन के तैयार होने वाला है। तो चलिए बिना वक्त जाए के इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाह बोल के शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम के करीब झींगा ले ली हूँ, और ये ज़्यादा छोटा भी झींगा नहीं है, मीडियम साइज़ का झींगा है। तो हम जो अभी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम एक बाउल ले लेंगे, इसमें ऐड कर लेंगे हमारे 250 ग्राम के करीब झींगा, इसमें ऐड कर लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, आधा नींबू का रस ऐड कर लेंगे, और ये सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सभी को अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। अब हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे आधा कप के करीब दही, फिर हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे आधा कप के करीब बेसन, इसके बाद ये सभी मसालों को जो हम अच्छे से हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे। मैं इसके अंदर जीरा पाउडर डालना भूल गई थी, तो मैं इसके अंदर 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर ऐड कर लूँगी। इसको एक और बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो चुका है, आप चाहे तो उसे फ़ौरन भी पका सकते हैं और 20 मिनट रुक कर भी पका सकते हैं। तो मैं इसको जो 20 मिनट रेस्ट पे रहने दूंगी, उसके बाद मैं उसे फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी, और यहाँ पर जो हमारा तेल भी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर जो एक एक करके इसके अंदर झींगा ऐड करते जाएंगे। हम जो है झींगे को एक एक करके छोड़ेंगे, अगर हम एक साथ छोड़ेंगे तो झींगे जो आपस में मिल जाएंगे, और हम जो है झींगे को गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे झींगे जो है गोल्डन फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसको निकाल लेंगे, और बिल्कुल इसी तरह से हम बाकियों को भी कर लेंगे। कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं रख दूंगी प्याज, इसको मैंने गोल गोल इसमें काटा है, साथ ही नींबू रख देंगे, ग्रीन चटनी, रेड चटनी, और यहाँ पर हमारे प्रॉन्स सर्व कर लेंगे। तो तैयार है हमारा प्रॉन्स कोलीवाड़ा। तो आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार और बहुत ही यम्मी बन के तैयार हुआ है। तो इंशाल्लाह से आप लोग भी रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना, और मुझे फीडबैक देना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगती है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।